आचार्य भगवान श्री हस्तिमल जी महाराज साहब समस्त जैन जगत में उच्च कोटि के संयम साधना वाले युग प्रवर्तक आचार्य हुए। वे उत्कृष्ट क्रियानिष्ठ साधक, गहन चिंतक एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। इतिहास मार्तंड थे एवं सामयिक व स्वाध्याय के प्रणेता थे। उनकी वाणी में कोमलता लेकिन विचारों में दृढ़ता थी, करनी में सजगता और व्यवहार में मृदुता थी। अपनी शक्ति व समय का उपयोग उन्होंने सदैव जप, तप, ध्यान और साहित्य सृजन में किया। वे मूर्धन्य साहित्यकार थे। अनेक आगमों की उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने जैन धर्म का मौलिक इतिहास नामक एक कालजयी रचना की, जो आज भी जैन साहित्य का अमूल्य दस्तावेज है। जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए, श्रावकों को धर्म से जोड़ने के लिए, प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए, स्वाध्याय के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने, इसके अलावा और भी अनेक गतिविधियों के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं उनकी प्रेरणा से गठित हुई, जो आज भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। जैन धर्म के इस जाज्वल्यमान नक्षत्र ने 61 वर्ष तक संघ का, चतुर्विध संघ का नेतृत्व किया एवं 13 दिवसीय संतारे के साथ देवलोक गमन किया। मोक्ष मार्ग के इस अनुपम साधक को हम सबका शत शत वंदन है।